के बाहर लावारिस अवस्था में बैटरी और सर्किट मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। ये संदिग्ध सामान जम्मू एयरपोर्ट के ठीक बाहर मिले, जिसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर हो गया। संदिग्ध वस्तु की खबर मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया और छानबीन में जुट गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध सामान का इस्तेमाल आईईडी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि गुरुवार को जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 के लगभग लोग घायल हो गए हैं। घटना के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।